सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, आपने जो भी स्क्रीन पर वीडियो देखी, आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से। बस आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लेना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। सो गाइस, आते हैं वीडियो की तरफ। गाइस, ये वाली वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में VN एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसे ओपन करना है। नीचे आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके, फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आने के बाद गाइस, यहाँ से आपको एक अपनी फ़ोटो ऐड कर लेनी है। फ़ोटो ऐड करने के बाद एंड में ब्लैक वाला वाटरमार्क होगा, आपको इसे डिलीट कर देना है। फिर आपको ऊपर ओरिजिनल पे क्लिक करके 9.16 वाला साइज़ लगा देना है। अगर आपका फ़ोटो स्क्रीन पे फुल साइज़ में नहीं होता है तो आप जूम वर्क की स्क्रीन पे फुल साइज़ में कर सकते हो। उसके बाद गाइस, यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो की लेंथ को बढ़ाना है। तो कितना बड़ा होगा यहाँ पर मैं आपको इसका साइज़ दिखा देता हूँ। गाइस, आपको अपने फ़ोटो की लेंथ को करना है 11.26, ठीक है। स्क्रीन पर टच करके ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके, पहले गाइस यहाँ पर आपको फ़ोटो की वीडियो बनाकर सेव कर लेनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है गाइस आपकी वीडियो में स्प्लिट ना हो। फिर आपको एक बार बैक करना है। यहाँ पर आपको बड़े वाले प्लस पे क्लिक करके, वीडियो फ़ोटो पर क्लिक करके, जो वीडियो गाइस आपने सेव करी आपको उसी को लेना है। फर्स्ट में आपकी फ़ोटो रहेगी, उसे आपको डिलीट कर देना है। फिर आपको शुरू में आना है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर आना है, म्यूज़िक पर आना है और गाइस यहाँ से आपको म्यूज़िक ले लेना है। म्यूज़िक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। फर्स्ट में जो वेबसाइट आ रही है आपको इसमें जाना है और आपको इसमें जाने के बाद ये वाली वीडियो का पोस्ट मिल जाएगा, आप वहां से म्यूज़िक वगैरह डाउनलोड कर लेना। अगर बाई चांस आपको पोस्ट नहीं मिलता है तो इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर ही मिल जाएगा, जिसमें मैंने बताया कि आप आसानी से कोई भी वीडियो का मटेरियल कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आप वो वीडियो देख लेना। म्यूज़िक लगाने के बाद आपको नीचे बीट्स पर क्लिक करना है। गाइस, आपको अपने म्यूज़िक पर ये 16 बीट लगा लेनी है। 16 बीट लगा लोगे आपकी वीडियो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगी। बीट गाइस आपको किस टाइम पर लगानी है ये भी गाइस मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए। बीट लगाने के बाद आपको राइट कर देना है। अभी आपको फर्स्ट वाली बीट पर टच करना है, स्प्लिट करना है, सेकंड पर टच करना है, स्प्लिट करना है, थर्ड पर टच करना है, स्प्लिट करना है। यानी गाइस आपने जितनी बीट लगाई है आपको सब बीट पर टच करके अपनी वीडियो को स्प्लिट कर लेना है। उसके बाद आपको शुरू में आ जाना है, टू फिंगर से वीडियो के लेयर को फुल जूम करना है। फुल जूम करने के बाद फर्स्ट वाला फ़ोटो छोड़ देना है, सेकंड छोड़ देना है, थर्ड छोड़ देना है, फोर्थ छोड़ देना है। आपको 5 नंबर की फ़ोटो पर आना है और शुरू में आना है, ठीक है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का, स्प्लिट कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे चलना है, स्प्लिट कर देना है। फिर थोड़ा सा आगे चलना है, स्प्लिट कर देना है। तो गाइस आपको ये बारीक बारीक स्प्लिट लगाने हैं सिर्फ 5 नंबर के फ़ोटो में यहाँ तक। उसके बाद आपको इफेक्ट वगैरह लगाने हैं। इफेक्ट वगैरह गाइस आप कौन से लगाओगे, एक वीडियो मैंने पहले से बना के रख ली है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन से इफेक्ट लगाने हैं, इससे गाइस आपकी अच्छे समझ में आ जाएगा। बस गाइस आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। सो गाइस, जैसे ये वाली वीडियो मैंने बना के रख ली है, बस मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं इफेक्ट्स लगा लेता हूँ, यहाँ पर लगे हुए हैं आप लगा लेना। तो इफेक्ट्स आपको कौन से लगाने हैं, नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट्स का। तो फर्स्ट वाले फ़ोटो में गाइस आपको लगाना है जिटर डाउन नाम का इफेक्ट। तो आपको कितने फ़ोटोज़ में लगाना है वो बता देता हूँ। फर्स्ट वाले फ़ोटो में जिटर डाउन लगाना है, ठीक है, सेकंड में नहीं लगाना, थर्ड में और फोर में लगाना है जिटर डाउन। फिर आपके ये बारीक वाले फ़ोटोज़ आ जाएंगे, इसमें भी नहीं लगाना। फिर आपका आएगा ये 6 नंबर का फ़ोटो। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, ये जो 6 नंबर का फ़ोटो आएगा ना, जब 6 नंबर के फ़ोटो पे लगाओगे तो नेक्स्ट जितने भी फ़ोटोज़ आएंगे एंड तक, सब में आपको जिटर डाउन नाम का इफेक्ट लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं जूम आउट वगैरह की। तो जूम आउट आपको इसमें सिर्फ एक दो फ़ोटो में लगाना है। तो आपको सेकंड नंबर के फ़ोटो पर आना है, नीचे आपको जूम का ऑप्शन मिलेगा। तो सेकंड नंबर के फ़ोटो में आपको जूम आउट लगाना है, ठीक है, एक ही फ़ोटो में लगाना है आपको ये जूम वाला इफेक्ट। अभी यहाँ पर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको बारीक वाले फ़ोटोज़ में क्या करना है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये बारीक वाले फ़ोटोज़ में आ जाना है, अपने टू फिंगर से वीडियो क्लियर को फुल जूम कर लेना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपको ध्यान देना है, आपके नॉर्मल फ़ोटो रहेंगे ना ये सब, तो जिसमें से सेकंड वाला फ़ोटो आपको थोड़ा सा जूम कर देना है। फिर दो फ़ोटो आपको मिरर करने हैं, मिरर का ऑप्शन आपको नीचे मिल जाएगा।
तो जो दो फोटो मिरर करोगे ना उसमें से भी आपको सेकंड वाला फोटो थोड़ा सा जूम करना है स्क्रीन पे टच करके। फिर दो फोटो आएंगे आपको आपके नॉर्मल वाले, जिसमें से सेकंड वाला फोटो आपको थोड़ा सा जूम कर देना है। फिर दो फोटो को मिरर करना है जिसमें से सेकंड वाला फोटो जूम कर देना है। फिर दो फोटो नॉर्मल छोड़ लें जिसमें सेकंड वाला फोटो थोड़ा सा जूम कर देना है। फिर दो फोटो मिरर करने जिसमें सेकंड वाला फ़ोटो थोड़ा सा जूम करना है। आपको यही करना है सभी बारीक वाले फ़ोटोज़ में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको प्लस वाले इफ़ेक्ट बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट में प्लस आ रहा है आपका सेकंड में प्लस आएगा, तो सेकंड वाले प्लस पे क्लिक करके आपको जूम वन पे दो बार टैप करना है, ठीक है। थर्ड नंबर के प्लस पे नहीं लगाना, फोर नंबर के प्लस पे नहीं लगाना। बारीक वाले फ़ोटोज़ के बाद जो बड़ा फ़ोटो आएगा उसके बाद जो प्लस आएगा सिक्स नंबर का, देख लेता हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव नंबर का प्लस आएगा, तो फाइव नंबर के प्लस पे आपको एक बार टैप करना है जूम वन पे, ठीक है। सिक्स नंबर के प्लस पे आपको शेक वन वाला लगाना है, ये भी आपको इसी में मिल जाएगा। सेवन नंबर के प्लस पे आपको जूम वन पे दो बार टैप करना है। एट नंबर के प्लस पे आपको शेक वन पे दो बार टैप करना है। नाइन नंबर के प्लस में आपको जूम वन पे दो बार टैप करना है। टेन नंबर के प्लस पे आपको शेक वन पे एक बार टैप करना है। इलेवन नंबर के प्लस पे जूम वन पे दो बार टैप करना है। ट्वेल्व नंबर के प्लस पे शेक वन पे फोर बार टैप करना है। 13 नंबर के प्लस पे जूम वन पे दो बार टैप करना है। 14 नंबर के प्लस पे जूम शेक वन पे एक बार टैप करना है, दो बार। 16 नंबर के प्लस पे आपको जूम वन पे दो बार टैप करना है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको बीट टाइम बताता हूँ कि आपको बीट किस टाइम पर लगानी है। तो गाइस सबसे पहले बीट लगानी है आपको फर्स्ट वाली 0.84 पर, सेकेंड बीट 1.74 पर, थर्ड बीट 2.05 पर, फोर बीट 2.34 पर, 5 बीट 3.41 पर, 6 बीट 3.97 पर, 7 बीट 4.63 पर, 8 बीट 5.29 पर, 9 बीट 5.93 पर, 10 बीट 6.62 पर, 11 बीट 7.25 पर, 12 बीट 8.03 पर, 13 बीट 8.66 पर, 14 बीट 9.37 पर, 15 बीट 9.99 पर, 16 बीट 10.61 पर। ये आपको 16 बीट लगा के राइट कर देना है। अभी गाइस हमारी वीडियो बन गई है, एक बार प्ले करके देख लेते हैं कैसी लग रही है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। आप तो गाइस देखा आपने वीडियो कितनी प्यारी लग रही है, आई होप आपके अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो गाइस आपको पसंद आए लाइक जरूर से करना। आपका भाई डेली इंस्टाग्राम से रिलेटेड नए नए एडिटिंग की वीडियोस लाता रहता है। वीडियो आपको गैलरी में सेव करने के लिए ऊपर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से गाइस आपको इतना साइज रख के वीडियो को सेव कर लेना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।